सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किस प्रकार की होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, किसी भी फीमेल की जो पीरियड साइकिल की डेट है वो 21 से 35 दिनों के बीच की होती है। सपोज करें कि अगर आपकी पीरियड साइकिल की डेट 28 दिन की है, तो जिस दिन आपको पीरियड की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो आपका CD1 होता है, मतलब साइकिल डेट 1 होती है। ठीक है, तो आगे जो पीरियड साइकिल की डेट है 14th और 16th, इन टाइम पीरियड पर ओवल्यूशन होता है अगर आपकी पीरियड साइकिल की डेट 28 दिनों की है। ठीक है, तो CD14th टू CD16th के बीच में ओवल्यूशन होता है। तो ओवल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ओवल्यूशन एक ऐसा दिन है जब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है, और इस टाइम पीरियड पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन रखते हो तो कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो CD14 टू CD16 के बीच में ओवल्यूशन होता है, और अगर इन टाइम पीरियड पर अगर आप रिलेशन बनाते हो तो जो ये पीरियड साइकिल की डेट है जब आगे जाती है CD18 टू CD20, मतलब पीरियड साइकिल के 18वें से 20वें दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब क्या है कि जो ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है उसे स्पर्म फर्टिलाइज करता है, और ये सामान्यतः 18वें से 20वें दिन होता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उसी दिन एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, ऐसा नहीं होता। तो एग यूजली 18वें से 20वें दिन फर्टिलाइज होता है अगर आपके पीरियड साइकिल की डेट 28 दिनों की है। ठीक है, देन पीरियड साइकिल के 24वें और 26वें दिन इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के बाद ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है जो कि परसिस्ट करती है 24 आवर्स टू 72 आवर्स। ठीक है, मतलब कि 24 से 72 घंटे तक आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अब बारी बारी एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किस प्रकार की दिखती है, उसका कलर टेक्सचर कैसा होता है, कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो गाइज देखिए, अगर आपको इम्प्लांटेशन 26वें दिन हुआ है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको साथ की साथ ही निकल जाती है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको लाइट रेड या फिर डार्क रेड कलर की देखने को मिलेगी। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई लाइट रेड या फिर डार्क रेड कलर की, साथ ही आपके जो वजाइना है उसके अंदर आपको वजाइनली डिस्चार्ज या फिर सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंस हुआ तो वो उसके साथ मिलेगी, और आपको ऑरेंज कलर की या पिंक कलर की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकली, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण जब वो आपके शरीर से बाहर निकलेगी तो आपको डार्क ब्राउन कलर की देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का फ्लो रेट कैसा होता है, ये भी बारी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस देखिए, जो इम्प्लांटेशन का फ्लो रेट है वो स्पॉटिंग टाइप में ही होता है, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है स्पॉटिंग का वो लगातार नहीं होता, कंटिन्यूसली नहीं होता। आपको 2-3 घंटे तक स्पॉटिंग होगी, फिर रुक जाएगी, फिर होगी, फिर रुक जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।